What's up guys, Sanjot Keer here, welcome to IFL. अब बारिश के मौसम में nothing can beat the combination of a कांदा भजी और कटिंग चाय. ये जो combination है इतना मज़ा आता है, बारिश हो रही हो, crispy crispy गरम गरम कांदा भजी हो, साथ में गरम गरम चाय हो, और इसको कोई चीज़ बीट नहीं कर सकती है. अब कांदा भजी जो है बहुत सिंपल रेसिपी है, सिंपल इन्ग्रीडियंट्स होते हैं, बनाना भी बहुत आसान है, फटाफट बन जाते हैं. कि कई बार घर पे एकदम परफेक्ट वाली कांदा भजी नहीं बनती है, तो कांदा भजी परफेक्टली कैसे बनाते हैं, उसके तीन मेजर चीज़ें हैं. एक तो कांदा कट कैसे करना है, उसके बाद उसका बैटर कैसे तैयार करना है, और तीसरा इसे फ्राई कैसे करना है. सिंपल प्रोसेस है, और ये रेसिपी में मैं कोई बेकिंग सोडा, चावल का आटा, कॉर्नफ्लावर कुछ नहीं यूज़ करने वाला हूँ. सिर्फ बेसन, प्याज, नमक और लाल मिर्ची, बस चार इंग्रेडिएंट्स लगेंगे और एकदम परफेक्ट कांदा भजी बनेगी. और ये वो वाले कांदा भजी जिसे केकड़ा भजी कहा जाता है. और फिर पुणे में सिंहगढ़ पे एक कांदा भजी के साथ चटनी सर्व की जाती है, कांदे की चटनी. वो चटनी भी कैसे बनाते हैं इस रेसिपी में बताने वाला हूँ. और फिर लास्ट में बारिश में इस कांदा भजी का मज़ा लेंगे कुछ चाय के साथ. सबसे पहले कांदा भजी के लिए कांदा कट कैसे किया जाता है वो देख लेते हैं. तो प्याज को लेकर पहले उसका टॉप और बॉटम कट कर लेना है. टॉप और बॉटम कट करने के बाद इसे इस तरीके से रख के बीच में से कट कर लेना है. तो आपको प्याज के ऐसे दो हाफ्स मिल जाएंगे. अब इन्हें आपको पील कर लेना है. तो इस तरीके से प्याज का छिलका जो है वो इजीली निकल जाएगा. अब प्याज को आपको इस तरीके से लेंथ वाइज कट करना है, ना कि इस तरीके से. तो प्याज को इस तरीके से पतले पतले स्लाइसिस में कट कर लीजिए. इसकी जो थिकनेस है वो आप देख सकते हो, ज़्यादा पतली भी नहीं है और ज़्यादा मोटी भी नहीं है. आप अगर इसे नाइफ की थिकनेस से कंपेयर करें तो इसी नाइफ की थिकनेस के बराबर मैंने इसे कट किया. कट करने के बाद इसके लेयर्स को आपको इस तरीके से अच्छे से खोल लेना है. तो बस इस तरीके से प्याज को मसल के इसके लेयर्स को अलग अलग कर लीजिए. आपके प्याज कटने और लेयर्स को खोलने के बाद कुछ इस तरीके के दिखने चाहिए. तो इस तरीके से मैंने 3 से 4 मीडियम साइज के प्याज को कट करके इनके लेयर्स को ऐसे अलग कर लिया है, और इन्हें अब मैं एक बोल के अंदर ट्रांसफर कर रहा हूँ. प्याज को कट करते टाइम आप ध्यान दीजिए, जैसे मैंने बताया वैसे ही कट कीजिए. जैसे मैंने लेंथ वाइज आपको कट करने बोला है वैसे कट कीजिए, और लेयर्स को अलग कर लीजिए. जो थिकनेस है, जो मैंने आपको थिकनेस बनाई, जैसे कॉइन वाली थिकनेस होती है समझो, उस थिकनेस के आपको प्याज कट करने. उससे पतले कट करेंगे तो जल्दी जल जाएंगे, उससे मोटे अगर कट करोगे तो सॉगी बनेंगे एकदम. प्याज जो है पूरी तरीके से पक के जो है क्रिस्पी नहीं होगा. तो इस तरीके से प्याज कट कर दीजिए. प्याज आपने एक बार इस तरीके से कट कर लीजिए, पहला स्टेप हो गया है. फिर दूसरा स्टेप क्या है, बैटर कैसे बनाना है वो देख लेते हैं. अब कटे हुए प्याज में टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कीजिए, साथ ही में 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कीजिए. अब नमक और मिर्ची को आपको प्याज के साथ अच्छे से मिलाना है, अच्छे से मिक्स कीजिए. नमक और मिर्च के साथ प्याज को हल्का हल्का आपको मसलना है, ताकि जो प्याज है वो अपना जो पानी है वो थोड़ा सा छोड़ना शुरू कर दे. तो आप देख सकते हो मैंने अच्छे से मिक्स किया है, और पूरा जो मॉइस्चर है वो अभी निकलना शुरू हो गया प्याज का. आपको ज़्यादा देर रुकना नहीं है, एक बार मॉइस्चर छोड़ना लग जाए तब इसके अंदर आपको बेसन ऐड करना है. तो यहाँ पर मैंने 1 कप एकदम बारीक वाला बेसन लिया है. बेसन को थोड़े थोड़े छोटे छोटे बैचेस में आपको ऐड करना है, एक साथ मत ऐड कीजिए. एक बार आपने एक बैच ऐड किया, बेसन को अच्छे से प्याज के साथ मिलाइए, अच्छे से अपने हाथों के बीच में मसलिए. जैसे ही ये बेसन जो है वो लग जाएगा प्याज को, दूसरा बैच ऐड कीजिए. तो ऐसे 3-4 बैचेस में बेसन को ऐड करते हुए आपको अच्छे से मसलना है. एक बार आपने सारा बेसन ऐड कर दिया है, आप देखोगे थोड़ा थोड़ा ड्राई लग रहा है, तो एक पानी का छींटा मारिए. पानी का छींटा मारने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कीजिए, अच्छे से मसलिए इसको, जैसे आटा गूंथते हैं वैसे मसलिए. और आप देखेंगे कि आपका जो बैटर है वो कुछ इस तरीके का बन जाएगा. ऐसा ही कुछ टेक्स्चर जो है आपका बैटर का होना चाहिए. तो हमारा जो मिक्सचर है कांदा भज्जी का वो रेडी हो गया है. बहुत सिंपल, मैंने मसाले वसाले कुछ नहीं डाले हैं, सिर्फ नमक, मिर्ची, बेसन और प्याज, बस यही डालना है. कोई सोडा, कॉर्नफ्लावर, राइस फ्लावर कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है. बस ये बेसिक तरीके से ही आपकी एकदम परफेक्ट भजी बनेगी. आप ध्यान दीजिए कि बेसन बहुत ज़्यादा नहीं ऐड कर दीजिए. 3-4 जो आपके प्याज हैं उसमें 1 कप बेसन एकदम परफेक्ट हो जाता है. आपको एक बैटर नहीं तैयार करना है, एक मिक्सचर तैयार करना है, ये चीज़ का आपको ध्यान देना है. पानी आपको बस छींटा ही मारना है. बहुत ज़्यादा अगर पानी डाल दोगे तो आपकी भज्जी जो एकदम ख़राब हो जाएगी. बस छींटा मारिए ताकि जो बेसन है वो एकदम ड्राई ड्राई नहीं हो, थोड़ा घुल जाए प्याज के साथ, एकदम परफेक्ट बनेगा. अगर थोड़ा टाइम और रुक जाएंगे, जो पानी का छींटा है वो भी मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, प्याज ही उतना पानी छोड़ देता है. लेकिन मैं क्या करता हूँ, तेल रेडी रखता हूँ साइड पे. ये साइड पे मिक्सचर बनाया, एक छींटा मारा, मिक्सचर बन गया, रेडी हो गया. इमीजिएटली प्याज को फ्राई करता हूँ.
क्योंकि भज्जी फ्राई अगर उसी टाइम आपने नहीं की तो पानी छोड़ते रहेगा प्याज और एकदम लिक्विडी बैटर बन जाएगा। तो ध्यान देना है, जैसे ही बैटर रेडी हो जाए तेल आपका साइड पे तैयार होना चाहिए और आपको इमिजिएटली भज्जी को फ्राई करना है, ये चीज़ का आपको ध्यान देना है। तेल मैंने गर्म कर रखा हुआ है, तेल को देख लेते हैं। तेल मेरा जो है वो मॉडरेटली हॉट है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, नहीं तो हमारी भज्जी डालते ही एकदम जल जाएगी, बाहर से फ्राई हो जाएगी। मॉडरेटली हॉट ऑयल यानी 170 डिग्री सेल्सियस पे आपका तेल होना चाहिए। आप अपने हाथ को इस तरीके से पानी में डिप कीजिए और छोटे छोटे पोर्शंस लेके बस तेल में केयरफुली ड्रॉप करते जाइए। आपको बिल्कुल भी भज्जी को शेप नहीं करना है, अगर आप भज्जी को शेप करेंगे तो आपकी भज्जी जो है एकदम बराबर नहीं बनेगी, वो केकड़ा भज्जी नहीं बनेगी। तो बस ऐसे ही थोड़े थोड़े पोर्शंस लिए और बस ड्रॉप कर दिए, बिल्कुल भी शेप नहीं करना है। एक बार आपने सारी भज्जी ड्रॉप कर दी है तेल के अंदर, बस एक दो मिनट के लिए इन्हें हाई फ्लेम पर फ्राई होने दीजिए। एक दो मिनट हो जाए उसके बाद फ्लेम को मीडियम पे कर दीजिए और इसे स्टर करते हुए धीरे धीरे भज्जी को फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पर। हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो बाहर से जो भज्जी है वो एकदम फ्राई हो जाएगी, अंदर से कच्ची और सौगी रह जाएगी, क्रिस्पी भज्जी आपकी नहीं बनेगी। तो बस आप देख सकते हो मैंने आराम आराम से धीरे धीरे मीडियम टू लो फ्लेम पर इस कांदा भज्जी को फ्राई किया है, एकदम क्रिस्प और गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। इस स्टेज के ऊपर आपको भज्जी को निकालना है, तेल से निकाल कर एक छन्नी में ट्रांसफर कर देना है ताकि इसका जो बाकी का एक्सेस ऑयल है वो ड्रिप ऑफ हो जाए। अब आप देख सकते हो ये प्याज का जो टेक्सचर है, इस तरीके से जो अलग अलग ऐसे क्लॉज जैसे होते हैं क्रैब के, वो निकले हुए हैं, इस तरीके का टेक्सचर आ जाता है। मैं आपको बता देता हूँ अगर आप शेप करके भज्जी को तलेंगे तो उसका टेक्सचर कैसा होगा। तो देखो भज्जी का बैटर लिया मैंने, इस तरीके से शेप किया, तेल में ड्रॉप कर दिया, फ्राई करने के बाद आप देखेंगे ये भज्जी एकदम अलग दिख रही है। सेम बैटर है लेकिन शेप करने का तरीका अलग था, तो आप दोनों को कंपेयर करके देख सकते हैं साइड बाय साइड, एक एकदम ऐसा गोल गोल लग रहा है और एक जो है उसका टेक्सचर, उसकी क्रिस्पीनेस बहुत ही अलग है। तो आपने देखा भज्जी को फ्राई करने से, उसके शेप करने से कितना फ़र्क पड़ जाता है। सिंपल सी रेसिपी है लेकिन छोटी छोटी बातें जिससे परफेक्ट रेसिपी बनती है। तो कांदा भज्जी तो मेरी रेडी हो गई एकदम क्रिस्प और गर्मा गर्म। इसकी जो चटनी है वो बस एक मिनट के अंदर अंदर बन जाती है। चटनी कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। एक बड़े साइज़ का प्याज ऐसे चॉप करके ले लीजिए, फिर उसके अंदर 3 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कीजिए और आधा टीस्पून नमक। अब इसके अंदर आपको 5-6 टेबलस्पून एकदम गरम गरम तेल डालना है। तो ये जो भज्जी फ्राई किया था यही तेल मैं ले रहा हूँ और इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। बस ऐसे जैसे ही आप तेल ऐड करो ऐसे एकदम झर से एकदम सिजल होना चाहिए। एक बार तेल आपने ऐड कर दिया, सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लीजिए और ये देखो आपकी जो कांदे की चटनी है वो एकदम फटाफट रेडी हो गई है। तो भज्जी तैयार हो गई है, चटनी तैयार है, साथ में मैंने मसाला चाय बना ली है, बारिश हो रही है। आई एम गोइंग टू एंजॉय दिस कांदा भजी, सो लेट्स प्लेट इट वाइफल स्टाइल। तो इसी तरीके से सारे टिप्स और ट्रिक्स, जितनी भी मैंने चीज़ें बताई है, सारी टेक्निकलिटीज़ फॉलो कीजिए। बहुत सिंपल चीज़ है, सिंपल इंग्रेडिएंट्स है, तरीका भी आसान है, बस छोटी छोटी बातों को याद रखना है और आपकी कांदा भजी एकदम परफेक्ट बनेगी हमेशा आपके घर पे बिना कोई एडिटिव्स के, एकदम सिंपल तरीके से। तो ज़रूर ट्राई करो इस बारिश के मौसम में ये वाली रेसिपी, चाय के साथ इंजॉय करो, फोटो खींचो, इंस्टाग्राम पे अपलोड करो, टैग करो और साथ में हैशटैग यूज़ करो मॉनसूनस विद YFL, और मैं कोशिश करूँगा कि आपकी रेसिपी की जो फोटो है वो रीशेयर करूँ अपने हैंडल्स पर, और मुझे बहुत खुशी भी होगी वो रेसिपीज़ को देखकर, और देख कर के आप मेरी रेसिपीज़ इस बारिश के मौसम में इंजॉय कर रहे हो। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू YFL इफ यू हैवंट येट। हैव एन अमेजिंग टाइम विद दिस ब्यूटिफुल कांदा भजी रेसिपी एट योर होम। चीयर्स।